ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। रात्रि कहानी का शीर्षक है जिह्वारस। इस कहानी में बताया गया है कि हम कैसे अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करें। जैसे हमारे पांच कर्मेंद्रिय स्थूल है, जो पंच रस हम उनसे ग्रहण करते हैं, वैसे मन और बुद्धि भी हमारे सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है। तो ये मन और बुद्धि कई बार कई चीज़ों के पीछे भटकती रहती है, जैसे कोई खाने की चीज़ें, कोई संबंधी या कोई पहनने की चीज़ें। तो कैसे हम इसे मन को वश करें, इसके संदर्भ में उदाहरण के तौर पर यह कहानी आपको सुनाई जाएगी। तो ध्यान से सुनिए और इसका जो सार है उसको ग्रहण करिए। उत्तराकाशी के एक एकांत स्थान पर एक वयोवृद्ध स्वामी जी रहते थे। वो तपस्वी महात्मा वर्षों से कई कई घंटे समाधिस्थ रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। हमेशा मौन रहकर साधु और ब्रह्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाले क्षेत्र से ही भिक्षा लेकर जीवन यापन करते थे। साधुओं, गृहस्थों, विद्यार्थियों, दुकानदारों, सबके मन में उनके लिए आदर सम्मान था। वो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और कपड़ों के नाम पर उनके पास दो अंगोछे और दो लंगोटियाँ थीं, एक भिक्षा पात्र और पानी के लिए एक कमंडल। सच्चे आदर्श महात्मा थे वो। कभी होटलों या मिठाई की दुकान से कुछ भी नहीं लेते थे वो। एक बार दिवाली का दिन था। यूँ तो संपूर्ण उत्तराकाशी जगमगा रही थी, किंतु इकलौती मिठाई की दुकान सबसे ज़्यादा सजी हुई थी और तरह तरह की मिठाइयाँ बनी थी। जलेबी और मैसूर पाक के पर्वत बनाकर सजा दिए गए थे। शाम का समय हुआ तो दुकान पर ग्राहक टूट पड़े थे। ऐसे में दुकान मालिक के तीन बेटे और नौकर जाकर सब मिलकर काम संभालने लगे थे। आज तो ये स्वामी जी भी जलेबियों के ढेर के पास एक कोने में खड़े थे। दुकानदार ने स्वामी जी को सादर दुकान के अंदर बिठाया और स्वामी जी से उनकी मनपसंद मिठाई खाने के लिए बार बार आग्रह करने लगा। स्वामी जी ने नम्रता के साथ मना कर दिया। थोड़ी देर बाद दुकान पर उपस्थित सब लोग बड़े अचंभित हो रहे थे कि स्वामी जी विक्रय के लिए रखे जलेबियों के ढेर को ऊपर से नीचे तक चाट रहे थे। सब जलेबियाँ झूठी हो गई, अब कौन खरीदेगा इन्हें। दुकानदार के सभी बेटे गुस्से में स्वामी जी की तरफ बढ़े और उनकी बहुत पिटाई कर दी। शरीर से खून बहने लगा, बहुत चोट लगी। जैसे तैसे वे अपने कुटिया पर पहुँचे। अगले तीन दिनों तक वे कष्ट सहते रहे और भगवान का जाप करते रहे और मुस्कुराते रहे। स्वामी जी के नज़दीक की कुटिया में रहने वाले एक अन्य साधु चौथे दिन उनके लिए चाय पानी और दवा मलहम लेकर आए। सेवा पूरी होने के बाद उन्होंने पूछा, स्वामी जी आपने ये अविश्वसनीय कार्य क्यों किया, कृपया बताइए। स्वामी बोले, सारा जीवन मैंने नियम संयम अपनाया, राग द्वेष वासना कामना कुछ भी ना रह गई, लेकिन बचपन से मेरे मन में जलेबियों की तृष्णा रही। खूब कोशिश की पर इसे छुड़ा ना सका। मन को हर तरह से समझाया पर ये ना माना। थक हार कर मैंने ये कठोर सीख देने का निर्णय किया, ताकि इसे ये शेष जीवन में ठीक से याद रहे। मैंने जानबूझकर सभी जलेबियों को चाटा, ताकि मेरी जमकर पिटाई हो। सो अब यह मन जलेबी के नाम से भी कांपने लगता है। न जयेत रसनम यावत जीतम सर्व जीते रसी। ओम शांति।